हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज ना सुबह सुबह मेरी देवरानी की मम्मी ने ना मेरी इनाया के लिए ये वाला ड्रेस भेजा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ड्रेस देखकर और ये बहुत ही खूबसूरत है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो एक्चुअली आज हुआ ये कि मेरी नानी सर जो है ना, वो उनकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, तो इमरजेंसी ना उनके घर जा रहे थे हम लोग देखने के लिए। तो सोचा खाली हाथ कैसे जाए, उनके लिए थोड़ा सा खाना लेकर जाएंगे, तो बीमार के घर खाना लेकर जाना अच्छा होता है, उनको देखकर भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ना मैं फटाफट से ये टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली आज ना सुबह सुबह और एक दावत आया था, जो कि एक गोदपरा रस्म की दावत है। तो हम लोग ना एक्चुअली दोपहर को उनके घर जा रहे थे, लेकिन अचानक से सुबह सुबह नानी सास की बीमार होने की बात सुनी, तो हम लोग ना वहाँ चले गए। और यहाँ से आने के बाद अभी हम जाएंगे रात को गोदबराई रस्म में। तो आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो में देखेंगे मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. अभी मैंने देख सकते हैं टिफ़िन रेडी कर लिया है, और दोपहर के लिए हमारे लिए खाना बनाया है ये। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद रेडी होकर ना जाएंगे नानी सास के घर। अभी हम लोग ना रेडी हो रहे हैं, तो देख सकते हैं इनाया कितनी ज़्यादा मुश्किल करती है रेडी करने में, क्योंकि ना जब भी वो देखती है मैं रेडी हो रही हूँ, तो उसको लगता है मैं कहीं जा रही हूँ और उसको लेकर नहीं जाऊँगी, तो ये सब करती रहती है। तो हस्बैंड ने उसको बहुत मुश्किलों से बाद ना उसको रेडी किया है, देख सकते हैं वो अभी आराम से बैठ गई है। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, और अभी हम लोग जाएंगे उनके घर। तो देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं, और अभी मेरी बेटी ना मेरी मामी सास के गोदी पर है, और नानी जो है ना वो सो रही है। देख सकते हैं उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है उनको देखकर। तो मैंने ना थोड़ा सा उनके घर की ना सामने वाली व्यू थोड़ा शेयर किया है, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुला खुला है। तो मेरी नानी सास ना हमें देखकर ना बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना उनसे नहीं हो पाया, तो वो मैं उनको फिर से सुला रही हूँ, देख सकते हैं। तो वो अभी उठकर भी नहीं बैठ सकते, उनको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्या कर सकते हैं। अभी ना हम लोग रिटर्न हो गए वहाँ से, और आते टाइम ना मैं ना चिकन रोल देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ना ले लिया था, क्योंकि टाइम आते टाइम ना वहाँ टाइम नहीं था, तो घर आकर मैंने ये वाला खाया। रोल खाने के बाद मैं फिर से रेडी हो रही हूँ, तो मैं अभी साड़ी पहनूंगी। तो ना गोदबराई की जो रस्म जिनके घर है ना, वो मेरे घर के ना सिर्फ दो तीन घर छोड़कर ही है, तो मैं बस यही सिंपल सा एक साड़ी पहन रही हूँ, और मेरी इनाया को भी फिर से रेडी कर दूंगी। तो देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ, तो साड़ी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था, तो इसीलिए मैंने ना एक हिजाब ऊपर ले लिया था। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी हम जाएंगे उनके घर। लेकिन ना उनके घर जाने के बाद देख रही हूँ कि उनके घर ना पूरा जो रस्म था वो सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनका दोपहर का टाइम था। एक्चुअली उनकी बहू जो है ना वो एक नेपाली थी, लेकिन उसके बाद वो मुस्लिम हो गई है, लेकिन उनके सास ने ना उनके लिए उनका
जो रस्म था वो हमारे यहाँ तो मुस्लिम में ना अनरोग गोद भराई वाला रस्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने उनकी खुशी के लिए किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हमारे लिए खाना रेडी कर रहे हैं, तो हम अभी खाना खाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, तो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलामुअलैकुम।